जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर तर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहावत आज उस समय चरितार्थ हो गई जब एक व्यक्ति नदी में नहाने गया, तब उसे राम लिखा एक वजनी पत्थर पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों यह मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का है, जहां ग्राम पंचायत राजापुर के लकड़ापुर में ग्रामीणों द्वारा श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे थे। इसी दरमियान शुक्रवार की सुबह गांव का ही एक 40 वर्षीय मणिलाल राजवाड़े जन्माष्टमी उपवास उपरांत घुनघट्टा नदी में नहाने गया था, तभी छतरपुर घाट के पास नदी के पानी में एक पत्थर को तैरते हुए चट्टान की ओर बहते देख ग्रामीणों ने उक्त पत्थर को पकड़ लिया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान बताया गया कि जब उसने पत्थर को देखा तो उसमें एक तरफ राम लिखा हुआ था, जिसको देख गांव वाले भौचक रह गए। इसके बाद लोगों ने वहीं पर एक बड़े ड्रम में पानी भरकर जब उक्त राम लिखित पत्थर को डाला तो वह पत्थर डूबने की बजाय ऊपर आ गया। मजे की बात तो यह है कि उस पत्थर को जितने बार पानी में अंदर धकेला गया उतने ही बार राम लिखा हिस्सा पानी में ऊपर ही रहता दिखाई दिया। ग्रामीणों द्वारा उस पत्थर को एक चमत्कारिक रूप मानते हुए अब उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक पंडित को उस पत्थर को दिखाया गया, तब पंडित ने कहा कि यह पत्थर राम सेतु की है जो नदी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गया। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन राम लिखित पत्थर के नदी में तैरते मिलने से क्षेत्र में भक्ति भाव का माहौल निर्मित हो गया है और लोग पूजा अर्चना में जुट गए। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनातन धर्म की मजाक बनाने वाले एवं उन पर सवाल उठाने वाले लोगों के मुंह में एक तमाचा है और सनातन धर्म की अनंत चमत्कारिक रूप का प्रमाणित है, और आज भी समय समय पर रामायण काल की राम सेतु का प्रमाण पूरे भारतवर्ष में मिलता रहता है, जो आज फिर से छत्तीसगढ़ के राजापुर में मिलने से प्रमाणित हो गया है। फिर भी दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे विनती है कि अगर आप राम भक्त है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें।